दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तर भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उत्तर भारतीय स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया। आइए देखें आशीष कुमार की ये रिपोर्ट। जो उत्तर भारतीयों पे लगातार अत्याचार देश के विभिन्न शहरों से बहन विभिन्न राज्यों से जो आ रही है, उस मुद्दे को उठाते हुए आज एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। हमारे साथ कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अवतार सिंह कालकाजी है, इनसे जानते हैं कि इस बाइक रैली का क्या उद्देश्य है, क्यों आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे जो अपना उत्तर भारतीय जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं उनके साथ जो उनको गुजरात से पलायन करने के लिए कहा गया था और उनके साथ अत्याचार हुआ, मारकुटाई हुई, उसके उपलक्ष्य में कि हम तो सब भारतीय हैं, ये कहाँ से ऐसी राजनीति आ गई, गंदी राजनीति की अपना लोगों को खदेड़ अपना अपने ही। जो उत्तर भारतीयों पे लगातार अत्याचार देश के विभिन्न शहरों से बहन विभिन्न राज्यों से जो आ रही है, उस मुद्दे को उठाते हुए आज एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। हमारे साथ कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अवतार सिंह कालकाजी है, इनसे जानते हैं कि इस बाइक रैली का क्या उद्देश्य है, क्यों आयोजन किया जा रहा है। राघव चड्ढा जी, तो ये सारे आज मिलकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता, चाहे वो कभी सिखों के साथ होता है, कभी मुसलमानों के साथ होता है, आज हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से ही हो रहा है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे पीएम साहब ने चुप धार रखी है। समय समय जब भी कोई बात आती है तो ये राजनीति करते हैं और चुप रहते हैं। अभी हाल में ही जो है पूर्वांचल महाकुंभ का आयोजन भाजपा द्वारा किया गया था, वहाँ से भी उत्तर भारतीयों को संगठित और उनके साथ जो समस्याएं हैं उनको लेकर एक आयोजन किया गया था। उसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो ये उत्तर भारतीय है इनका जो मतलब इस तरह से हो रहा है प्रॉब्लम, उसमें आम आदमी पार्टी पर दोष लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार जो है इस प्रकार मतलब कि ध्यान नहीं दे रही। क्या क्या कहेंगे जब इन तरह की जो बयान सामने आते? देखो, बीजेपी का रोल बिल्कुल एकदम साफ हो चुका है, ये नंगे हो चुके हैं बिल्कुल। देश के अंदर जो व्यवस्था करार किया, चाहे यूपी के अंदर ले लो, चाहे बिहार में ले लो, हर तरफ इन्होंने अपना गुजरात, इनका अपना वहाँ रह चुके हैं, वहाँ गुजरात मॉडल जिसकी बात करते हैं ये, तो इन्होंने आके ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करते हैं, क्योंकि 2019 आ गया उसकी राजनीति, अब आम आदमी की पार्टी ऊपर जो बात इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी तो हमेशा धर्म को साथ लेके चलती, सब लोगों को साथ लेके चलती है, तो ये कहाँ खड़े हैं? ये आज इतने जो बातें हो रही हैं देश के अंदर, इतना अत्याचार हो रहा है, तो कहाँ इन्होंने जवाब दिया? और भी लोगों से जानेंगे इस बाइक रैली का जो आयोजन किया गया है क्यों खास है, क्या उद्देश्य है, जैसा कि विधायक जी ने अभी बताया ही। सर आप बताएं क्या जो ये आयोजन किया जा रहा है, तो इस आयोजन का बाइक रैली का जो आयोजन किया जा रहा है, ये स्वाभिमान यात्रा है जो उत्तर भारतीय के साथ अत्याचार हो रहा है और जो इनके प्रति अत्याचार हो रहा है, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उसी को रोकने के लिए, जिससे आगे लोगों पे अत्याचार ना हो। आप लोग जो ये आयोजन कर रहे हैं इसका बेसिकली ये रूट कहाँ से निकल रहा है और कहाँ तक जाएगी और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस? देखिए जी, ये जो आज कालकाजी विधानसभा में जो आज बाइक रैली हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है बदरपुर विधानसभा से और ये तुगलकाबाद होते हुए संगम विहार होते हुए कालकाजी आएगी। कालकाजी से ये आपका फिर तुगलकाबाद होते हुए देवली के बाद आपका अंबेडकर नगर के बाद मैरौली के बाद छतरपुर में इसका एंड होगा, करतार सिंह तंवर जी के यहाँ पर इसका एंड होगा। और इसमें हमारे राज्यसभा के सांसद श्री संजय भाई जी आ रहे हैं और इसमें अपने जो साउथ दिल्ली के दक्षिण दिल्ली के कैंडिडेट है राघव चड्ढा जी वो होंगे और हर क्षेत्र के विधायक इसमें जो साउथ दिल्ली के विधायक उसमें आएंगे और साथ के साथ साथ सात विधानसभाओं के जो हमारे एक्टिव वॉलेंटियर है और हमारे आम आदमी पार्टी के समर्थक है वो सभी इस बाइक रैली में आएंगे। फैशन की दुनिया में बढ़ते क्रेज को देखते हुए दिल्ली के केशवपुरम में पुष्पा शर्मा द्वारा कशिश ब्राइडल बुटीक का उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर क्षेत्रीय निगम पार्षद योगेश वर्मा ने रिबन काटकर बुटीक का उद्घाटन किया। आइए देखें हनी सहगल की ये रिपोर्ट। 20 साल से मैं इस फैशन इंडस्ट्री में हूँ। अभी मैंने ये केशवपुरम में अपना स्टूडियो लॉन्च किया है। फैशन इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, फैशन के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं, पहले इतना नहीं था जितना अब है कि लोग बहुत सोच समझ कर पहनना चाहते हैं कि कैसा सूट करेगा, कैसा ओकेज़न है, किस ओकेज़न पे मुझे क्या पहनना है, कहाँ वेस्टर्न पहनना है, कहाँ एथनिक पहनना है, ये सब चीज़ें लोग ध्यान में रखने लगे हैं।